हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टड लाइक में। सो गाइस, नेटफ्लिक्स पे अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है बुलबुल, जिसे कहा जा रहा है कि हॉरर मूवी है। वही मैंने अभी देखी है और मैं वही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसी है, आपके देखने लायक है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बुलबुल को प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटे 34 मिनट का, करीब करीब 1.5 घंटे की मूवी है और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। और इसकी कास्ट की बात करूँ तो कास्ट में तृप्ति दिमरी हैं बुलबुल के रोल में, अविनाश तिवारी हैं सत्या के रोल में, पॉली दाम हैं बिनोदनी के रोल में, राहुल बोस हैं महेंद्र और इंद्र के रोल में, डबल रोल में हैं राहुल बोस। और अब बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी इसकी ऐसी है कि बुलबुल जो लड़की है उसकी स्टोरी है, उसकी शादी हो जाती है बचपन में ही अपनी उम्र से दुगने तिगनी उम्र के एक आदमी के साथ, और उसके बाद वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसकी दोस्ती हो जाती है अपने देवर के साथ जो उसी की उम्र का है सत्या, जिसका रोल कर रहे हैं अविनाश तिवारी, और उनके हस्बैंड का रोल कर रहे हैं राहुल बोस। राहुल बोस डबल रोल में है, एक महेंद्र के नाम से और एक इंद्र के नाम से। तो अब उनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती होने लगती है उनके देवर के साथ जिस सत्या हैं, और धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और तुरंत 20 साल आगे पहुंच जाती है। और जब 20 साल आगे स्टोरी पहुंचती है तो सत्या विदेश से पढ़ के अपने गांव वापस आता है और गांव आके वो देखता है कि गांव में मर्डर हो रहे हैं, और अभी लोगों का ये कहना है गाँव वालों का कि ये जो मर्डर हैं ये कोई चुड़ैल कर रही है, कोई भूत कर रही है या फिर कोई काली शक्ति कर रही है। लेकिन सत्या को लगता है कि कोई इंसान ही मर्डर कर रहा है या फिर कोई जानवर ही मर्डर कर रहा है। तो एट लास्ट कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी थ्योरी सच है, किसकी थ्योरी गलत है, ये सब ये पूरी मूवी की स्टोरी है। और ये सब जानने के लिए कि ये मर्डर कौन कर रहा है, सच में कोई भूत है या नहीं है, ये इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी बुलबुल नेटफ्लिक्स पे। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं तृप्ति देमरे की। लास्ट लैला मजनू में देखा था मैंने इनको और उसमें मैं इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और उसके बाद अब इस वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे, और इन्होंने साबित कर दिया कि स्टार किड्स के अलावा जो आउटसाइडर्स हैं उनके अंदर भी टैलेंट भर भर के भरा हुआ है, और इनफैक्ट जो स्टार किड्स हैं उनसे ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है आउटसाइडर्स के अंदर। वो अपने बुलबुल के रोल में बहुत बढ़िया लगी है और उन्होंने अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से किया है, वो इम्प्रेस कर जाती है अपने रोल में। सेकंड अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी भी इससे पहले लैला मजनू में नज़र आए थे तृप्ति के साथ ही, और इन दोनों ने बहुत इम्प्रेस किया था उस मूवी में भी। मूवी तो चली नहीं लेकिन एक्टिंग बहुत बढ़िया थी दोनों की और दोनों ने इम्प्रेस किया था, मूवी भी अच्छी थी। ऑडियंस ही बेवकूफ़ है जो ऐसी मूवीज़ नहीं देखती है। अगर आपको टाइम मिले तो लैला मजनू ज़रूर देखना। तो अविनाश तिवारी इसमें सत्या के रोल में है जो विलायत से वकालत पढ़ के आया है, और अपने गांव में होने वाले मर्डर्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई क्योंकि वो उस गांव का ठाकुर है। सत्या के रोल में अविनाश तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने लैला मजनू की तरह इसमें भी इम्प्रेस किया है बिल्कुल। और जो तीसरी एक्ट्रेस में है वो है पॉली दाम। पॉली दाम बिनोदनी के रोल में है और उनका कैरेक्टर जो है बहुत इम्प्रेसिव है और काफ़ी एक नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर है। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ये अच्छा है या बुरा है, नेगोशिएट करना पड़ेगा इसके बीच में। तो उन्होंने अपने काम को अच्छे से किया। और अब बात करते हैं जो फाइनल है इसमें राहुल बोस। राहुल बोस डबल रोल में महेंद्र और इंद्र के रोल में, वो एक बहुत ही सुपर्ब एक्टर हैं और जब भी आते हैं किसी भी मूवी में इम्प्रेस कर देते हैं। अब अगर राहुल बोस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई एक्टर अपने नेगेटिव रोल में तुम्हें अपने कैरेक्टर से नफरत करने पे मजबूर कर दे तो समझ जाओ कि उसने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया और बहुत बखूबी निभाया है। और ऐसा ही कुछ इस मूवी में होता है। राहुल बोस के दोनों कैरेक्टर हैं महेंद्र और इंद्र, दोनों कैरेक्टर के साथ आपको नफरत होने लगती है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। अब बात कर लेते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। तो पहले बात करेंगे बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट, नॉट हॉरर। अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि ये कोई हॉरर मूवी है, इसमें आपको
डरावनी शक्लें, डरावने सीन देखने को मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो थ्रिलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, आंखें खोल देने वाले सीन्स देखने को मिलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। सेकंड, स्लो है थोड़ी सी बीच में, कुछ कुछ सीन्स हैं जो मेरे को लगे थोड़े से स्लो हैं। और थर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि जो बुलबुल है या सत्या है या फिर जो राहुल बोस के कैरेक्टर हैं, सभी कैरेक्टर्स का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा डेवलप होने का चांस मिल जाता और जो हॉरर एंगल है उसको भी थोड़ा डेवलप होने का चांस मिल जाता तो अच्छा होता। भले 1.5 घंटे की जगह मूवी 2 घंटे की हो जाती लेकिन अच्छा होता। वो हल्की सी कमी लगी मुझे, क्योंकि एंडिंग भी इसकी उतनी क्लैरिफिकेशन के साथ है नहीं। आपको लास्ट के 10 से 15 मिनट में एंडिंग आ तो जाएगी लेकिन पूरा क्लैरिफाई करके जाती नहीं है, कुछ हल्की सी कमी है वो। अब बात कर लेते हैं इसके गुड एस्पेक्ट की। फर्स्ट, सुपर्ब एक्टिंग है, सुपर्ब। सारे के सारे एक्टर्स इसमें आउटसाइडर्स हैं और सब ने बहुत गजब काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया और सुपर्ब एक्टिंग की है। सेकंड, माइथोलॉजिकल टच दिया गया है इसके अंदर काली देवी के, और काली देवी का जो माइथोलॉजिकल टच दिया गया है वो बहुत इम्प्रेसिव है और एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, कुछ नए टाइप की स्टोरी है इसकी। थर्ड, थ्रिलिंग BGM, इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, कसम से कह रहा हूँ आपकी फट जाएगी जब ये गाना बजेगा, अंदर तक रूह आपकी कांपने लगेगी, इतना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका। फोर्थ, बंगाली कल्चर को अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है, जो अर्ली बंगाली कल्चर था उसको बहुत अच्छे से दिख। फिफ्थ, जो क्राइम होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट नॉर्मली, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है। उस टाइम पे जो क्राइम्स प्रिवेल करते थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर रेप हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया है और बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो अब आते हैं कॉन्क्लूजन पे। कॉन्क्लूजन मेरा यही होगा कि ये एक मस्ट वॉच है, हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए। और आप ये घिसी पिटी स्टोरियाँ देख देख के पक चुके हो और कुछ ढंग का अलग सिनेमा देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अनुष्का शर्मा का, जो चुन चुन के ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे पैसा लगा रही हैं अपना और नए नए टैलेंट को सपोर्ट कर रही हैं, आउटसाइडर्स को स्पेशली, एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। वरना बॉलीवुड में तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ अपने नेपोटिज्म के पिटारे में पैसा डालना चाहते हैं। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू बुलबुल का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मूवी देख ली तो आप क्या सोचते हो उस मूवी के बारे में वो कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर मेरा काम पसंद आया हो आपको तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा कर या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको फॉलो बैक ज़रूर दूंगा। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक चिल्वर साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।